केंद्र सरकार हर गर्भवती महिला को 6000 रुपया की आर्थिक मदद दे रही है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, गर्भवती माताएं हैं, उनको मोदी सरकार 6000 रुपया भी देती है ताकि उसके गर्भ में स्वस्थ बच्चा, उसको पोषण मिले। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उड़ीसा सरकार ने यहां इतनी पवित्र योजना, माताओं बहनों की सेवा करने की योजना, अरे भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो जाए ऐसी पूजा, लेकिन ये बीजेडी सरकार ने उस पर भी ताला लगा दिया, लागू नहीं की। भाई कोई मां ये बीजेडी वालों को माफ करेगी क्या? उड़ीसा की कोई माता ये बीजेडी वालों को माफ करेगी क्या? साथियों, वहीं भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उड़ीसा बीजेपी की सुभद्रा योजना, आपको पता नहीं होगा, बाद में बताएंगे लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना ये उड़ीसा बीजेपी वाले लेके आए हैं। सुभद्रा योजना ये महिला सशक्तिकरण योजना है, यहां महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। उड़ीसा बीजेपी ने यहां स्वयं सहायता समूहों की 25 लाख बहनों बेटियों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प किया है। बिहार उड़ीसा के गांव में 25 लाख लखपति दीदी, भाई अरे ताली बजाओ, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बेसहारा है, उन्हें भी अलग से आर्थिक मदद दी जाएगी। साथियों, भाजपा ने बहुत गौरव से उड़ीसा की मिट्टी में जन्मी, गर्व करना, उड़ीसा की मिट्टी में जन्मी उड़ीसा की बेटी को देश का सबसे बड़ा पद दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, कोई उड़ीसा का नागरिक है जिसको गर्व होगा कि नहीं होगा? इससे बड़े गर्व की और कोई बात हो सकती है क्या? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे लगातार उड़ीसा के विकास के लिए बहुत बारीक 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 चीजें बताती हैं। और मुझे भी लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी के मार्गदर्शन में मैं भी उड़ीसा के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा।